पुरुषोत्तम मास अध्याय 14 दधनवा का पूर्वजन। सुत पुराणी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा दधनवा कुछ चिंता में था। वही ऋषि वाल्मीकि वहाँ पधारे, अतः राजा खुश हुआ और स्वागत किया। ऋषि का पूजन करते चरण धो डाला, जल को अपने सिर पर चढ़ाया और पांव दबाने लगा। बाद में वाल्मीकि ने राजा की उदासी के बारे में पूछा। तब राजा ने जंगल में अपने साथ घटी घटना बताई। तोता बोला, इसका मतलब क्या होता है, मुझे बता दो। हाँ, मेरे चार बेटे हैं, सुलक्षणा पत्नी है, हाथी घोड़े रथ और धन संपत्ति है, पर ये सब मुझे कौन से पुण्य के फल स्वरूप मिला है? इतना होते हुए मेरा मन बेचैन क्यों है? दधनवा की बात सुनते ही ऋषि वाल्मीकि ध्यानस्थ हुए। बाद में बोले, हे राजन, तुम अपने पूर्वजन्म में द्रविड़ देश में ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। तुम्हारा नाम सुदेव था। उस वक्त अग्निहोत्र आदि यज्ञ कर श्रीहरि को प्रसन्न किया था। तुम धार्मिक थे, वेद का अध्ययन करने वाला, संतोषी और विष्णु परायण थे। तुम्हारी पत्नी का नाम गौतमी था। वह प्रतिवता नारी थी, उसे कोई संतान नहीं थी। तुम दुखी थे, वह बात पत्नी को बताई। गौतमी तुम्हारी पत्नी ज्ञानी थी। उसने सुदेव को आश्वासन देते हुए कहा था, तुम विद्वान हो, संतान न होने की चिंता में क्यों दुखी हो रहे हो? अगर अच्छा पुत्र है तो संसार पार कर सकता है, अगर अच्छा न होता संसार को कलंक लगाता है और तो और अपने जीवन को विषमय बना देता है। मैं इसीलिए तुम्हें बताती हूँ, चिंता छोड़ दो और प्रभु भजन में लग जाओ। प्रभु आपकी सब चिंता दूर करेंगे। जैसे कदंब ऋषि की श्रद्धा भक्ति से खुश होकर हरि ने कपिल देव नामक पुत्र दिया था, इसी तरह भगवान भी अपनी ओर देखेंगे। गौतमी के ऐसे कथन सुदेव को बड़ा अच्छा लगा। बाद में वह अपनी पत्नी के साथ तावनी नदी के तट पर गया, वहाँ तप शुरू किया। 4000 साल तक तप किया। सुदेव के तप से प्रसन्न भगवान विष्णु जी गरुड़ पर बैठे वहाँ आए। सुदेव को बड़ा आनंद हुआ, वह अपने स्थान पे खड़ा हो गया और विष्णु जी को प्रणाम किया। पुरुषोत्तम मास कथा 14 मौन व्रत की कथा। अवंती नगरी में एक पवित्र और विद्वान ब्राह्मण रहता था, उसका नाम धर्मदास था। वाकई वह धर्ममय अपना जीवन बिता रहा था। अपने जीवन में कई साल तप में गुजारने के कारण वह तपस्वी नाम से जाना जाता था। सतत नित्य तप की वजह से उसका शरीर लड़खड़ा गया था। वह 70 साल का था तब पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। धर्मदास पुरुषोत्तम मास की महिमा से परिचित था, अतः उसने व्रत करने का सोच लिया। पहले ही दिन वह सुबह जल्दी उठकर स्नान के लिए गया था। वहाँ काठा गौरमा जी का पूजन किया, कथा सुनी और ब्राह्मण को दान देने अपने घर आया। 70 साल की आयु के कारण वह थक गया था, अलावा उसे उपवास भी किया था, अपने शरीर में कमजोरी आ गई थी। दूसरे दिन भी नदी तट पर स्नान करने वो गया, मगर आज जरा समस्या बढ़ गई थी। आज का दिन भूख उपवास की वजह से भारी लगा, उसका जीव घबराने लगा। तब धर्मदास के मन में विचार आया, यदि 2 दिन में मेरी ऐसी दशा हो गई है, आगे न जाने क्या होगा। मगर धर्मदास ने अपने मन को पक्का इरादा कर लिया था, अगर वह नियम तोड़ता है तो दोषी हो जाता है। जो कि अपना शरीर भले टूटा हुआ था, मगर मन पक्का था, वह अपने मार्ग में अड़िग था। धर्मदास दिन रात भगवान की भक्ति में मन लगाता था। एक रात नींद में भगवान पुरुषोत्तम जी ने आकर धर्मदास को कहा, हे भक्त धर्मदास, तुमने न होने वाला व्रत रखा है, 2 दिन में तेरी दशा ऐसी हुई है, आगे न जाने क्या होगा। मन में संकल्प रखकर व्रत को तोड़ना यह तो पाप वाली बात है, लेकिन तुम्हारा दृढ़ संकल्प को देखते अपना व्रत बरकरार रखने के लिए मैं मार्ग बताने के लिए आया हूँ। अगर पुरुषोत्तम मास दौरान मौन रखते हैं और वहाँ खाना खाए, फिर भी उसे व्रत का फल मिलता है, मैं कहता हूँ तुम मौन व्रत ले लो। और फिर भगवान चले गए। धर्मदास जागा, यहाँ वहाँ भगवान को देखने की कोशिश की, मगर भगवान वहाँ कहाँ थे। एक दिन पहले धर्मदास लकड़ी के सहारे नदी जा रहा था। थोड़ा भोजन किया, कुछ शक्ति का संचार हुआ, लेकिन सारा दिन मौन व्रत रखा। भगवान पुरुषोत्तम दास जी का नाम लेता था, न जाने अपने शरीर में शक्ति का संचार हुआ, अपना इरादा और दृढ़ हुआ। इसी तरह मास सप्ताह हुआ और यथाशक्ति व्रत मनाया, दान भी किया। इधर भगवान पुरुषोत्तम जी धर्मदास से राजी हुए। एक दिन प्रकट होते हुए बोले, धर्मदास तुम्हारी भक्ति से खुश हो गया हूँ, बोलो क्या चाहिए, मांग लो जो मांगना है।
तब धर्मदास ने भगवान को नमस्कार करते कहा, प्रभु आपने दर्शन दिए वही बड़ी कृपा है। मैं कुछ नहीं चाहता, फिर भी आप जो देना चाहते हो तो मेरे हाथ से दुखी लोगों का कल्याण हो और सदा आपकी भक्ति करता रहूं ऐसी शक्ति दो और आखिर में मेरा निवास वैकुंठ में हो जाए। भगवान धर्मदास की बात सुनते ही बोले, ऐसा ही होगा। और फिर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। मौन व्रत से धर्मदास भगवान की कृपा जीवन में ला सका। बाद में वह अपनी कथा में व्रत का महिमा सुनाता रहा। वह कहता, मेरे भाई, दिन में कोई एक समय मौन रखना चाहिए। अगर वह न हो सके तो सप्ताह में कुछ एक दिन निश्चित कर लो और मौन रखो। अगर वो भी न हो पाए तो भोजन के वक्त मौन रखो। अगर 12 साल मौन रखने में तुम कामयाब हो गए तो भगवान अवश्य तुम्हें दर्शन देने आएंगे। दिन ब दिन धर्मदास की समृद्धि बढ़ती गई। 70 साल की आयु में मानो धर्मदास ने धर्म के झरने को बहा दिया। सदा व्रत, धर्मशाला, गौशाला बनाई, अन्नदान, वस्त्रदान किया और आखिर में वो वैकुंठ गया।